अबाउट द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। केआर के गिरी सिल्क एंड सारी मसल मास्टर फिटनेस क्लब फॉर मेन एंड वुमन। आरएसएस मशीन को लेकर सीएमसी मेंबर गफार पेशमाम ने किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा। मैडम से बात करते मैं लेना। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसों कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन खराब होने की जानकारी पाकर सीनियर सीएमसी मेंबर अब्दुल गफार पेशमाम ने हॉस्पिटल का दौरा कर जायजा लेते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल सीएमओ डॉक्टर अपर्णा से डायलिसिस मशीन को लेकर बात की और डायलिसिस मशीन के बारे में मीडिया को जानकारी दी। 20 दिन के बाद हम फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है जो दौरा किए, उसकी वजह यह है कि जो है यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो मशीन है नेप्रो कंपनी की है और इनका वारंटी टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो है हम यहाँ के सीएमओ अपर्णा मैडम जी से जो है मुलाकात किए, वो भी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो है कोई टेक्नीशियन इंजीनियर जो है जल्द यहाँ पर आए। हैदराबाद और गुलबर्गा के जो है लोगों से वो बात किए। प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड बीसीए कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। साईनाथ मोबाइल शिरा दिवाली स्पेशल ऑफर। इंटर सेल नेपाली स्वेटर वाला लेडीज जेंट्स किड्स सिटी के हराया चौक में। तो जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आने के लिए जो है 8 दिन का 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं, जबकि जो है वारंटी खत्म होने के बाद उसका सिस्टम ये होता है कि जो है वो कंपनी को नया एग्रीमेंट करके साल का उनको पहले पेमेंट करना पड़ता है। मशीन खराब हो क्या ना हो, साल का पेमेंट एक बार पेमेंट करने के बाद वो लोग एक साल तक का जो है उसकी निगरानी करते हैं, उसको जो भी होता है उसका रिपेयर करते हैं। तो अभी जो यहां पर मसला चल रहा है वो पूरे का पूरा बिल्कुल जो है सिस्टम फेल हो चुका है। तो डायलिसिस मशीनों का सिस्टम है और यहाँ के डॉक्टर्स हो या जो है सीएमओ हो या टीएचओ हो, हम उनके टच में हैं और वो लोग भी जो है कंपनी वालों के टच में हैं। तो इससे जो है मसले का हल नहीं निकल रहा और यहाँ पर अब नए 3 मशीन होना बेइंतहा जरूरी है। बसों कल्याण तालुके में डायलिसिस के पेशेंट इतने ज्यादा हो गए और वो पेशेंट इतने ज्यादा तकलीफ में हैं, क्योंकि जो है डायलिसिस का जो मैटर है वो मैटर प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता। एक डायलिसिस को कम से कम खर्चा जो है वो 3,000 से 4,000 का है और किसी को हफ्ते में 2 डायलिसिस हैं, किसी को हफ्ते में 3 डायलिसिस हैं, किसी को जो है 1 हफ्ते में 1 है, किसी को 2 हफ्ते में 1 है, क्योंकि ये पेशेंटों को बेइंतहा परेशानी है। डायलिसिस पेशेंटों को अगर बसों कल्याण में डायलिसिस है तो वो हो सकता है जो 3 से 4 हजार खर्चे में हो सकता है, नहीं अगर इनको गुलबर्गा जाना है तो वो खर्चा जो है 7,000 हो जाता है। तो ये हफ्ते में जो है 2-3 मरतबा करना, महीने में जो है 8 मरतबा करना, महाना 40 से 50 हजार रुपए का खर्च करना, ये किसी भी आदमी के बर्दाश्त की ताकत नहीं है। तो अब हम बसों कल्याण के जो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं श्री विजय सिंह साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है बसों कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डायलिसिस मशीन के तरफ जो है ज्यादा तवज्जो देकर अपने फंड से यहां पर ईश्वर खंडे जी नए 2 या 3 मशीन सेट कराएं। ये हमारी जो है ईश्वर खंडे साहब से रिक्वेस्ट है और हम विजय सिंह साहब को भी इसके ताल्लुक से जो है लेटर दे चुके हैं और विजय सिंह साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर बसों कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कम से कम 3 डायलिसिस मशीन, जो एक पॉजिटिव और 2 निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव मशीन पर पॉजिटिव पेशेंट को डायलिसिस नहीं किया जा सकता। तो अभी यहां पर 4 मशीन में एक ही मशीन चालू है, बाकी 3 मशीन बंद है। तो लिहाजा ये जो पेशेंट की तकलीफ हो रही है, इसलिए हम बार बार
ये 15 दिन में 2-3 बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का विजिट किए, न्यूज इसके 15 दिन पहले भी बोले थे, आज फिर न्यूज के जरिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दें।